रोजाना ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। भारी बारिश का अलर्ट, घर से बाहर ना निकले लोग। भारी बारिश का अलर्ट, घर से बाहर ना निकले लोग। स्काई मेट ने मुंबई में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है और लोगों को घर के अंदर रहने का सुझाव दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक कल तक मानसून महाराष्ट्र और गोवा पहुंच सकता है। मुंबई में सोमवार को हुई भारी बारिश के कारण जनजीवन बुरी प्रभावित हुआ है। बारिश के कारण पश्चिम एवं मध्य रेलवे की कई ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ है। महाराष्ट्र में पिछले 3 दिन बारिश के कारण 13 लोगों की मौत हो चुकी है। मुंबई में शाम से हो रही भारी बारिश के चलते 9 फ्लाइटों का रूट बदला गया है, जबकि वेस्टर्न एक्सप्रेस वे पर जाम लग गया है। शहर के भांडुप इलाकों में सोमवार को अब तक 10 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। वहीं मुलुंड में 11 मिलीमीटर और वेस्टर्न सबअर्ब में 9 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। मुंबई उपनगर की तरफ जाने वाली रोड सांता क्रूज, अंधेरी और जोगेश्वरी इलाकों में भी जाम की खबर है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून कर्नाटक से तमिलनाडु की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में अगले 24 घंटे के दौरान बेंगलुरु समेत कई राज्यों में तेज बारिश होने की संभावना है। विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटों में मध्य अरब सागर के कुछ और हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने की स्थिति अनुकूल है, जिसकी वजह से तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गोवा और मध्य बंगाल की खाड़ी में मानसून अपने निर्धारित समय पर पहुंचेगा। गौरतलब है कि उत्तर भारत में जहां चिलचिलाती धूप और उमस से लोग परेशान हैं, तो वहीं कर्नाटक में भारी बारिश से 5 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बार इस बीच मौसम विभाग ने 13 राज्यों असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार, मणिपुर, तेलंगाना, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश और केरल में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई है। विभाग ने तेलंगाना में अगले 48 घंटों में तेज से बहुत तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। दोस्तों, इस पोस्ट पर आपकी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस पोस्ट को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाते रहने के लिए हमारे इस चैनल को फॉलो जरूर करें।